आपके अंदर के आर्टिस्ट ने कितना मिस किया ये पैंडेमिक में घर पे बैठना पड़ा हम सबको यू नो, तो आपके अंदर के आर्टिस्ट ने कितना मिस किया सेट्स को? वेल, मैंने बहुत कुछ किया इस लॉकडाउन में, घर से ही किया. जैसे कुकिंग बहुत सारी की हमने, मेरे बच्चों के साथ बहुत टाइम स्पेंड किया, मेरी मम्मी रहती है हमारे साथ, उनके साथ एज अ फैमिली हमने बहुत टाइम स्पेंड किया इस लॉकडाउन में. लोगों के लिए बहुत कुछ किया, एक अपॉर्चुनिटी मिली इस बार. और मैंने एक गाना रिलीज किया अपना जो इंग्लिश में मैंने गाया था, और वो फ्रंटलाइन वर्कर्स को आई हैड डेडिकेटेड इट. आई एम सो प्राउड ऑफ देम कि ऐसे मुश्किल मौके में अपने घर वालों से दूर रह के, उन्होंने बच्चों से दूर रह के, छोटे छोटे बच्चों से दूर रह के अपनी जान पर खेल कर उन्होंने सबको सबके लिए किया, तो उनके लिए किया था. और तो ऐसे मैंने बहुत सारा कुछ किया, घर से ही किया. One thing that impressed you, you know, जब आप किसी contestant को perform करते देखते, that one thing that you noticed, the first. पर एक तो वो कितनी समझ है डांस की, क्योंकि डांस बॉडी से होता है लेकिन फेस से भी डांस होता है. और वो कितना समझ है कि कौन से मूवमेंट में कौन सा एक्सप्रेशन देना है, कब उसे सॉफ्ट करना है, कब उसे लाउड करना है, ये सब जो चीज़ें हैं ये बहुत कंट्रीब्यूट करती है एक अच्छे परफॉर्मेंस को. और कभी कभी एक एक्स फैक्टर होता है जो हम बता नहीं सकते कि क्यों ये डांस बहुत अच्छा लग रहा है, वो जो एक्स फैक्टर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. जी मैम, इस बार कोविड की वजह से ऑडिशन नहीं हुए, तो वो ऑडिशन का पूरा माहौल जो होता है जजेस के सामने, वो कितना मिस किया था? वेल, ऑडिशंस होने वाले हैं और यहाँ पे हमने सोशल बबल बनाया हुआ है, सब टेस्टेड होंगे कोविड के लिए, और मतलब पूरे प्रिकॉशंस लेके हम लोग ये सब कर रहे हैं, तो आई एम श्योर बहुत एक्साइटिंग होने वाला है. थोड़ा